Good morning, everybody. Welcome to the second session of the poem that we were doing. That is My Last Duchess by Robert Browning. See, in the last class, we did the era in which Robert Browning was writing as an author, which was the Romantic period or Romantic era. See, first of all, before understanding the poem, let's do a quick revision again. We are left with half of the poem. Let's do a quick revision. For example, what was Victorian era or Victorian poetry? Victorian era was the time period when this author Robert Browning, जब ये Robert Browning लिख रहे थे वो Victorian era था, जिसका time period मैंने आपको बताया था 1837 to 1901. और मैंने क्या बताया था, इनके अलावा कौन कौन लिख रहा था Victorian era में Robert Browning के अलावा? इनकी wife, that was Elizabeth Barrett Browning, Tennyson, थॉमस हार्डी, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, प्री रेफेलाइट, ये सब लोग इनके साथ लिख रहे थे. जॉर्ज इलियट एंड सम ऑफ द अदर राइटर्स, ये इनके साथ लिख रहे थे इस एरा में. फिर मैंने आपको क्या बताया था, आई टोल्ड यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द विक्टोरियन एज और विक्टोरियन पोएट्री. सी, बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनी पोएट और द साइकिक बिहाइंड हिज राइटिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एरा और द एज इन विच ही वॉज राइटिंग, बिकॉज द एज इन्फ्लुएंसेज द पोएट. कि जिस भी एज में पोएट लिख रहा होता है तो जो उस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो उसकी पोएट्री के अंदर आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अब हम मॉडर्न एज में हैं, 21st सेंचुरी में, तो जैसे हम बिहेव करेंगे वो हमारी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, क्योंकि हम नई जनरेशन है तो हम बिल्कुल नए स्टाइल में रहते हैं, नई चीज़ों को फॉलो करते हैं. सिमिलरली, हम जिस एज में रहते हैं हम उस एज को फॉलो करते हैं. अगर हम अपने एंसेस्टर्स का एग्जांपल देख लें, हमारे फादर्स, ग्रैंड मदर, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग वो बहुत सारी चीज़ों को टैबू मानते हैं, इस चीज़ को नहीं करना, इस चीज़ को करना है. तो हर कोई अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या करता है, जिस एज में वो पैदा हुए थे उस एज के अकॉर्डिंग दे बिहेव. सिमिलरली इज द केस विद पोएट्स एंड ऑथर्स. इन वट एवर और विच एवर एज दे वर बॉर्न इन और दे वर राइटिंग इन, दे फॉलो द ट्रेडिशंस और द कंसेप्ट और द फीचर्स ऑफ दैट एज, राइट? तो कोई भी एक पोएट्री को समझने से पहले हमें क्या करना है, उस एज को समझना है. क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बारी क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रोमांटिक एज, व्हाट इज़ द आइडियाज बिहाइंड द राइटिंग्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग फॉर एग्जाम्पल. बिकॉज जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होती है, तो कोर्स इज़ वेरी लिमिटेड एंड द सब्जेक्ट मैटर इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड. तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर वेरी डिटेल्ड एंड इन डेप्थ, नॉट लाइक नेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक सेट एंड PGT TGT, उनकी तरह केस नहीं है. यहाँ पे बुक्स और कोर्स बहुत लिमिटेड है, तो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, पहले इसके फीचर्स जान लेने हैं, जो मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द नेक्स्ट लास्ट क्लास. सॉरी, तो पहला हमारा क्या फीचर था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस. मैंने आपको बता दिया था कि दोनों के बीच में क्या हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी. पहले क्या था, रिलीजन पे सब कुछ बेस था, कि गॉड वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. गॉड क्या थे, सेंटर थे किसके, यूनिवर्स के. तो गॉड वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. फिर क्या आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, तो साइंस गॉड पे क्या हो गया था, क्वेश्चन मार्क हो गया था. तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि गॉड को फॉलो करें या साइंस को फॉलो करें, चर्च को फॉलो करें या साइंस को फॉलो करें. तो लोगों के मन में क्या आ गया था, कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, ठीक है. देवर सैड एंड देवर इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन दैट वॉट टू डू, कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में. तो इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या आ गया था, डिस्प्यूट, डिस्पैरिटी आ गई थी, राइट? सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये लोग क्या कर रहे थे, जो विक्टोरियन पोएट्स थे, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे कि हमारा क्या है, हमारी ड्यूटी है. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, इतना मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोग कन्फ्यूज हैं, तो इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बना ली थी, कि हम अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को क्या करेंगे, सोशली रिफॉर्म करेंगे, उनका क्या करेंगे, सोशल अपलिफ्टमेंट करेंगे. क्या करेंगे, सोशल अपलिफ्टमेंट करेंगे, सोशली उनको रिफॉर्म करेंगे कि ओके दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, आप इसको फॉलो कर लो और इसको फॉलो नहीं करो. तो ये इनकी ड्यूटी बन गई थी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पेसिमिज्म. पेसिमिज्म का मैंने मतलब बताया था निराशावादी, और इसका ऑपोजिट क्या था, ऑप्टिमिज्म. और मैंने क्या बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ऑथर हैं, मतलब इतने ज़्यादा आशावादी ऑथर हैं जिसका कोई जवाब नहीं है. तो ही इज़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ऑथर. पर अगर इस एज का फीचर देखें, वो पेसिमिज्म है, क्योंकि इस स्टेज में क्या हो रहा था, लोगों के मन में डिस्प्यूट, डिस्पैरिटी और ये सब कुछ आ रहा था ना, आइसोलेशन, अलग अलग होना, फैमिली नहीं रह रही थी, अनसर्टेनिटी आ रही थी कि नौकरी कहाँ मिलेगी, जॉब कहाँ मिलेगी. जो अभी सिनेरियो चल रहा है ना आफ्टर द पैंडमिक कोविड सिचुएशन, कि क्या करें लाइफ में, क्या नहीं करें, जॉब होगी नहीं होगी, वेदर वील गेट द नेक्स्ट मील और नॉट, सेम सिचुएशन यहाँ चल रही थी, राइट? तो क्या था, तो लोगों के बीच में डिस्पैरिटी और कन्फ्यूजन, आइसोलेशन आ गई थी. तो पेसिमिज्म, निराश हो गए थे लोग. तो पूरा का पूरा जो एज थी ना, ये जो एज थी ना 1837 से लेके 1901,
ये बड़ी पेसिमिस्टिक एज अपने आप में बन गई थी, राइट? तो ये हमारा फीचर्स था. फिर नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्ट इन मिडेवल फेबल्स एंड लेजेंड. फेबल्स मैंने आपको बताया था शॉर्ट स्टोरीज या फिर पुराने जमाने से हमने जो किससे कहानियां ले लेते हैं, देवर नोन एज फेबल्स एंड लेजेंड्स. तो ये सब्जेक्ट मैटर कहाँ से लेते थे, जो इनके थीम होते थे पोएट्री के वो कहाँ से होते थे, मिडेवल पीरियड से होते थे. जैसे किंग आर्थर के लेजेंड ले लीजिए, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना राजे रानियाँ और उनकी किस्से कहानियाँ हम सुनाते हैं, ऐसे इनके यहाँ भी होते थे. जैसे किंग आर्थर हो गया, लैंसलॉट हो गया, क्वीन गुनेवरा हो गई, ठीक है. तो ये इनके यहाँ भी क्वीन और क्वीन थे, किंग और क्वीन थे और सर थे, लॉर्ड थे. तो ये उनके वहाँ से क्या लेते थे, इंस्पिरेशन लेते थे पुराने टाइम से. और अब क्या करते थे, 18th century में उनके बेसिस पे क्या बनाते थे, अपनी स्टोरीज बनाते थे. तो ये क्या था, इंटरेस्ट इनका किस में लाया करता था, मिडेविल लेजेंड्स एंड फेबल. पुराने टाइम के किस्से कहानियों को क्या करते थे, अपनी स्टोरीज में इनकॉपरेट कर देते थे, राइट? तो ये हमारे पॉइंट्स हैं. फिर रियलिज्म. अब रियलिज्म का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था ना कि रोमांटिक से पहले की एज कौन सी, सॉरी विक्टोरियन से पहले की एज थी रोमांटिक्स, फिर आई विक्टोरियन, और इसके बाद की एज कौन सी थी, मॉडर्निज्म. ये थी मॉडर्निज्म एज, ठीक है. तो वन वॉज रोमांटिक्स एंड द अदर वन वॉज मॉडर्निज्म. विक्टोरियन इनके क्या थी, बीच की एज थी. ये क्या, किस चीज में बिलीव कर रहे थे, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है. और ये किस में बिलीव कर रहे थे, विक्टोरियन, आर्ट फॉर लाइफ सेक. ये बोल रहे हैं कि रोमांटिक्स क्या बोल रहे थे, कि आर्ट का क्या मतलब है, टू प्रोवाइड प्लेजर, ओनली प्लेजर. इसको कोई मॉरली आर्ट की, पोएट्री की कोई ड्यूटी नहीं है कि लोगों को क्या करें, रिफॉर्म करें, मॉरली उनका अपलिफ्टमेंट करें. रोमांटिक्स ये बोल रहे थे. विक्टोरियन क्या बोल रहे थे, अभी मैंने ऊपर भी बताया, विक्टोरियन क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि हमारी ड्यूटी है क्या करना, सोशली रिफॉर्म करना. हम अपनी पोएट्री के थ्रू, हम अपने वर्क्स के थ्रू, हमारी व्हाट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पीपल व्हाट, सोशली रिफॉर्म्ड, मॉरली करेक्ट. जो करप्ट हो गए थे, आइसोलेशन डिसअपेयर, व्हाट वाज दैट वाज देयर इन द सोसाइटी, तो दे वांटेड टू मेक इट करेक्ट, रिफॉर्म करना चाहते थे. तो रियलिज्म आ गया, क्लियर. फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग. यस, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ड्रामेटिक मोनोलॉग मैंने बताया था, ये ब्राउनिंग की जो बुक हम पोएट्री हम पढ़ रहे हैं, दैट इज माई लास्ट जजेस, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. नाउ वॉट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, वन वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड द अदर पर्सन इज जस्ट लिसनिंग, दैट इज अ साइलेंट लिसनर, दैट लिसनर इज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही इज जस्ट देयर इन व्हाट शुड आई से, इनविजिबल फॉर्म, सुन रहा है सबको सारी बातें. फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ और कोई एक साइलेंट लिसनर, जैसे बच्चे सुन रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, कोई आंसर नहीं दे रहे, तो दे आर देयर इन इनविजिबल फॉर्म, राइट? दे आर लिसनिंग बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग. दैट इज ओनली वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड अदर पर्सन इज लिसनिंग. तो ये इसके हमने क्या कर लिए थे, फीचर्स पढ़ लिए थे, राइट? अब लेट्स कम टू द स्टार्टिंग. एक बार पोएम को जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्विक रिविजन. यस, लेट्स डू इट इन अ जिफी. दैट इज माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन अ वॉल, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. तो ये क्या बोल रहा है पोएट, ये मैंने आपको बता दिया था ना, दैट दिस इज द ड्यूक ऑफ फरेरा. ये पोएम कहाँ पे है, मैं इसकी सेटिंग दोबारा से बता देती हूँ. द स्पीकर जो इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग जो बोल रहा है, दैट इज ड्यूक ऑफ फरेरा. ड्यूक ऑफ फरेरा, ये एक ड्यूक है, ड्यूक का मतलब होता है राजा. ड्यूक ऑफ फरेरा ये बात कर रहे हैं, और ये किसको बता रहे हैं, एक मैसेंजर को ये अपनी बात बता रहे हैं या अपनी ये पोएट्री बता रहे हैं. एंड हु इज दैट मैसेंजर, दैट मैसेंजर इज अ पर्सन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अनदर ड्यूक. किसी ड्यूक क्या वो मैसेंजर हैं, दूत जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और वो क्या करके आए, इनकी जो डचेस हैं ड्यूक ऑफ फरेरा की, जो इनकी रानी है, शी इज़ नो मोर, शी इज़ पास्ड अवे. हम जानेंगे वो कैसे मर गई, नेक्स्ट एंड में पोएट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हाउ शी पास्ड अवे, शी इज़ डाइड, तो हमें पता चलेगा वो. तो ये किसको, उस मैसेंजर को, ड्यूक ये डचेस के बारे में बता रहे हैं. और वो ये मैसेंजर आया क्यों है इनके पास, वो नया रिश्ता लेकर आया है, ड्यूक की जो दूसरे ड्यूक है उनकी डॉटर के लिए रिश्ता लेकर आया है, और ये इसको अपनी पुरानी डचेस, पुरानी रानी के बारे में बता रहे हैं, क्लियर. तो दिस इज द जिस्ट ऑफ इट. और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये एक अल्फोंजो नाम के एक, देयर वाज दिस ड्यूक इन इटली, तो उनकी वाइफ के ऊपर ये बेस्ड है, लूजली बेस्ड है. हिस्टोरिकली अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, तो देयर वाज दिस ड्यूक ऑफ अल्फोंजो सेकंड हु वाज अ रेनेसां ड्यूक ऑफ इटली, तो उनके ऊपर ये बेस्ड है, राइट? कोई पूछ रहे. और इसकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग है इन अ गैलरी ऑफ ड्यूक ऑफ फरारा. इनके पैलेस में एक गैलरी है, तो उसके अंदर इसकी सेटिंग है,
मतलब कि कहाँ पे बातचीत सारी चल रही है, तो उस गैलरी में सारी बातचीत चल रही है, वेयर देयर इज दिस ह्यूज पोर्ट्रेट ऑफ दिस डचेस, और उसको देख के क्या कर रहे हैं ये ड्यूक, मैसेंजर को बता रहे हैं अपनी डचेस के बारे में, ठीक है। तो अब जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। That is my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. ये मेरी last duchess है जो कि wall पे painted है और ऐसी लग रही है कि बिल्कुल जिंदा है, जिंदा दिल है। I call that piece a wonder now. Farrah Pandolf hands worked busily a day and there she stands. Farrah Pandolf कौन है? ये painter हैं जिन्होंने painting बनाई है। तो बोलता है कि Farrah Pandolf के हाथ क्या कर रहे हैं, इन्होंने पूरे दिन मेहनत से काम करा है, तभी तो ये क्या खड़ी है आज आपके सामने, ये पोर्ट्रेट ऐसा लग रहा है जैसे जिंदा हो, अलाइव हो, राइट। फिर वो क्या कर रहा है, विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेड Farrah Pandolf। वो बोल रहा है मैसेंजर को, देर इज एन मैसेंजर, ड्रामेटिक मोनोलॉग है यहाँ पे, सिर्फ ये ड्यू को फरेरा बोलेगा और मैसेंजर सुनेगा। वो क्या बोल रहा है उसको कि आप क्या करोगे, बैठोगे और सुनोगे ये मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ। फिर वो क्या बोलता है, Farrah Pandolf, I said Farrah Pandolf by design, for never read strangers like you that picture countenance. Countenance का मतलब मैंने बताया था face, countenance, the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you, but I. अब वो आगे क्या बोल रहा है कि मैं, आप सोच रहे होंगे मैंने Farrah Pandolf के बारे में क्यों बताया है, बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ऐसा पेंटर है जो ऐसी लाइवली पिक्चर बना पाया, ऐसी इमेज बना पाया जो इतनी इन डेप्थ लाइवली, और मतलब उसको ऐसे देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जिंदा है, तो ऐसा पेंटर कौन है आप सोच रहे होंगे। बट वो क्या बोल रहा है आगे कि आप सोचते रहे होंगे, बट यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ करेज कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें ये कैसे बनी और किसने बनाई, बट आई नो दैट यू हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड, मुझे पता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी बन कैसे गई, इतनी सुंदर, इतनी आकर्षित, इतनी जिंदा दिल, ये बन कैसे गई, और ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हो बट पूछ नहीं पा रहे, बिकॉज मैं ड्यूक हूँ, मैं राजा हूँ, और आपके पास क्या नहीं है, करेज नहीं है मुझसे पूछने का। तो वो क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको खुद बता दूंगा, और एक लाइन में यहाँ पे बोल रहा है, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। वो बोल रहा है कि ड्यूक की, डचेस की जो पेंटिंग है जो उसकी गैलरी में लगी हुई है, वो बोल रहा है कोई से उस पर कर्टन डला हुआ है, वो बड़ी बहुत बड़ी पेंटिंग है, तो देयर इज अ कर्टन विच हैज बीन ड्रॉन। तो बोलता है कोई इस कर्टन को हटा नहीं सकता, सिर्फ मैं हटा सकता हूँ, और मैं जिसको इस पेंटिंग को दिखाना चाहता हूँ मैं उसी को दिखाता हूँ, बाकी को नहीं दिखाता, राइट। तो ये इसका मतलब है। And as they would ask me if they dressed, how such a glance came here, not so the first are you to turn and ask the same meaning है कि आप पहले नहीं हो जो पूछ रहे हो। बहुत मुझसे पूछते हैं कि ऐसी आई आकर्षक चमक आई कैसे इसके पास, मतलब इस पेंटिंग में, तो आप पहले नहीं हो, पर लोगों के पास करेज नहीं होता पूछने का। सर इट वॉज नॉट हर हजबेंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इन टू द डचेस चीक। अब यहाँ पे वो क्या करना, पहले तो वो मैसेंजर से बात कर रहा था अपनी नॉर्मल, अब वो क्या होता है वो डचेस के बारे में बताना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये ड्यूक जो है ना, ही इज क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर ऑफ द डचेस, कि जो उसकी डचेस है उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहा है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो वो बोल रहा है कि ये क्या इसके पति की प्रेजेंस है जिसकी वजह से ये जिसके गालों पे जो ब्लश है, ये जो लाली आई हुई, जो हम हिंदी में बोलते हैं लाली, वो इसके हस्बैंड की वजह से आई है कि इसका हस्बैंड यहाँ पे, और तो इसको देख के खुश हो रही है, तभी इसके गाल लाल ऐसे हो रहे हैं, और ये इतनी ब्लश कर रही है, इतनी शाइन कर रही है, इतनी हैप्पी है, क्या ये इसकी हस्बैंड? तो ये ड्यूक क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, ये हस्बैंड की वजह से नहीं है, देर कैन बी अदर रीजंस आल्सो। अब वो रीजन क्या है, Farrah Pandolf चांस टू से हर मेंटल लैप ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच और पेंट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। यू क्या बोल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि मेरी वजह से ही आया होगा, इसका और रीजन भी हो सकता है, एंड वट कैन बी दैट अदर रीजन, फॉर एग्जाम्पल Farrah Pandolf जो कि इसका पेंटर है, उसने ये बोला कि मैम डचेस आपका जो शॉल है वो आपकी रिस्ट को ज़्यादा कवर कर रहा है, और वो इतनी सी बात पे ब्लश कर दिया हो उसने, या फिर वो ये बोल सकता है कि जो ये ब्लश है जो आपकी गालों पे जो लाली है वो मैं अपने पेंट से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, मैं पेंटिंग से इतना सुंदर ब्लश नहीं बना सकता जितना आपके नेचुरली आ रहा है। तो इस बातों पे भी वो क्या कर सकती है, ब्लश कर सकती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ब्लश इज बीइंग रिप्रोड्यूस्ड बाय द हस्बैंड्स प्रेजेंस, इट कैन आल्सो बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू द कमेंट ऑफ Farrah Pandolf हु इज द पेंटर ऑफ द, ही कुड से दैट मैडम ओ प्लीज पुट द व्हाट डू आई से दैट मेंटल लैप्स ऑन द ओवर माय लेडीज रिस्ट टू मच सर प्लीज रिमूव इट और योर ब्लश योर नेचुरल ब्लश इज मोर ब्यूटिफुल then my paintings or my paint could reproduce, so all these petty comments and also make her happy and also can make her blush, right? So now coming to the next part, आगे क्या बोल रहा है, she had a heart too shall I say too soon made glad too easily impressed, she liked whatever she looked on and she looked her looks went everywhere। वो बोल रहा है कि वो जो
उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी कि वो हर चीज़ को देख के खुश हो जाती थी और कोई भी उसको चीज़ देता ना उससे क्या हो जाती थी, इम्प्रेस हो जाती थी। उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की जरूरत नहीं थी, शी यूज़ टू गेट हैप्पी ऑन एवरी टाइनी टिट्स एंड बिट्स एंड एवरी पैटी इशू। क्लियर? It was all one. My favor on her breast, the dropping of the daylight in the west, the bow of cherry, some officious fool broke into the orchid for her, the white mule she rode with around the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech or blush at least. यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं इतनी तेज इसलिए जा रही हूँ बिकॉज ये लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, सो इफ यू पीपल हैव नॉट सीन द लास्ट वीडियो उस वीडियो को देख लीजिए, दिस इज जस्ट अ क्विक रिविजन। ठीक है कि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे ये भूल जाते हैं, तो ये क्विक रिविजन है और इफ यू वॉन्ट टू स्किप द वीडियो यू कैन स्किप द वीडियो ऑल्सो। तो ये क्या बोल रहा है कि इट वॉज ऑल द सेम, कि सारी चीज़ें उसके लिए सेम थी, चाहे मैं उसको माई फेवर हो ना ब्रेस्ट का मतलब है, चाहे मैं उसको ज्वेलरी दूँ वो भी सेम है, सनसेट हो रहा हो, ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट का मतलब होता है सनसेट हो रहा हो दैट इज़ ऑल्सो सेम, कोई उसके लिए गार्डन से जाके फूल तोड़ लाए वो भी उसके लिए सेम है, वो अपने म्यूल पे बैठ के टेरिस में घूमती थी, म्यूल इज़ लाइक स्वान एक टाइप का छोटा सा वो होती है बर्ड टाइप की होती है, तो वो उस पर बैठ के घूमती थी टेरिस में वो भी उसके लिए सेम था, तो मेरे गिफ्ट्स में और चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं था, शी यूज़ टू ट्रीट एवरीथिंग सेम एंड एवरीथिंग का क्या होता था सेम रिएक्शन सबके लिए, येस शी यूज़ टू स्माइल एंड अप्रूविंग स्पीच होती थी उसके लिए, तो देर वॉज नथिंग ग्रेट इन माई गिफ्ट अकॉर्डिंग टू हर बिकॉज शी यूज़ टू शी डिड नॉट मेक एनी काइंड ऑफ कंपेरिजन, एवरीथिंग वॉज सेम, माई गिफ्ट वर नॉट यूनिक। क्लियर? She thanked men good, but thanked somehow I not know how, as if she rang my gift of 900 years old name with anybody's gift. वो बोल रहा है कि वो चलो उसको gifts मिलते थे and she used to thank men. वो अच्छी बात है thank करना चाहिए, पर वो मेरे gifts को औरों की तुलना कैसे कर सकती है? Because I am the duke, I have a lineage of 900 years and I have a history of 900 years. My ancestors have done great things of great valor. मतलब इतनी courage की चीज़ें कर रखी हैं मेरी family ने, तो वो मेरे gifts को औरों के gifts से कैसे तुलना कर सकती? मेरी तो एक लीनियज है, मेरे गिफ्ट और जो नॉर्मल इंसान होता है उसके गिफ्ट को कैसे तुलना कर सकती है और सबको सेम बोल सकती है? वो नहीं बोल सकती, दैट इज रॉन्ग ऑन हर पार्ट। तो इसी चीज से वो ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है, पर आगे क्या बोलता है? Who would stoop to blame this sort of trifling, even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such a one and say just this or that in you disgust me, here you miss or you here you exceeds the mark। वो बोल रहा है पर कौन उसको बोलेगा कि ये आप में मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये आप एक्सीड कर गए मार्क, पर कौन ऐसी चीज़ बोलेगा? सी ही वॉज द ड्यूक एंड ही हैड अ प्राइड इन हिम एंड सच अ प्राइड दैट ही कुड नॉट स्टूप। स्टूप यहाँ पे लिखा है, तो स्टूप का क्या मतलब है? झुकना। यहाँ पे कहीं नीचे स्टूप लिखा है, यस यर स्टूपिंग, स्टूपिंग का मतलब होता है झुकना। तो ही इज सेइंग कि ही इज द ड्यूक एंड इट इज अगेंस्ट हिज प्राइड, ही कैन नॉट स्टूप। वो झुक नहीं सकता और वो उसको ये नहीं बता सकता कि मैम आप यहाँ गलत कर रही हो, ये जो फ्लावर्स ले रही हो मुझे पसंद नहीं है, ये जो हंस रही हो वो मुझे पसंद नहीं है, जो आप टेरिस पे घूम रही हो बर्ड्स के ऊपर बैठ के दैट इज ऑल्सो आई एम नॉट लाइकिंग। तो पर उसको पता, ही इज नॉट लाइकिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग डन बाय द डचेस, बट ही बीइंग अ ड्यूक ही हैज अ लॉट ऑफ प्राइड इन हिम। तो वो चीज़ वो क्या कर रहा है, वो उसको बता नहीं पा रहा, मुंह से नहीं बता पा रहा, पर उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं बता पा रहा? कि उसकी प्राइड है और वो अगर बताएगा तो उसको क्या कंसिडर कर रहा है? वो कह रहा है मैं झुक गया और मैं झुकता नहीं हूँ बिकॉज ही इज़ अ ड्यूक, ही इज़ अ किंग, राजा है। तो वो ये चीज़ बोल रहा है इसमें कि अगर उसको बता देगा ना कि मैम यहाँ आप एक्सीड कर रही हो, यहाँ आप गलती कर रही हो, ये मत करो, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? झुकना हो जाएगा। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं क्या चूज़ करता हूँ? मैं राजा हूँ तो मैं कभी नहीं झुकूंगा। ओ सर शी स्माइल नो डाउट वेन एवर आई पास्ट। वो क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है मुझे देख के हंसती नहीं थी, मुझे देख के हंसती थी। शी यूज टू बिकम हैप्पी आफ्टर सीइंग मी, बट द प्रॉब्लम वाज शी यूज टू गेट हैप्पी एट एवरीथिंग व्हिच ही डिड नॉट लाइक एज अ ड्यूक। फिर वो क्या बोलता है? दिस ग्रू आई गेव कमांड्स एंड ऑल द स्माइल स्टॉप्ड ऑल टुगेदर। फिर ये चीज़ बढ़ती गई, वो नहीं रुकी, वो औरों को देख के भी स्माइल करती थी, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी, तो ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसने क्या किया? उसको बताने से तो रहा, ड्यूक ने डचेस को तो नहीं बताया, उसने क्या किया? He gave commands and all smiles stopped altogether. उसने क्या किया? कमांड दे दी। एंड what happened? He gave commands for her to be killed. उसने उसको मरवा दिया। बताने से तो गया, क्या किया? उसको मरवा दिया। Because he was the king and he had the power. उसके पास पावर थी तो उसने उसको मरवा दिया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? Will it please you to rise? पहले उसको बोल रहा था will it please you to sit, कि पहले बैठा रहा था, अब बोल रहा था कि खड़े हो जाओ चलो। We'll meet the company below then. हम क्या करते हैं? और लोगों को नीचे मिलेंगे।
I repeat the count, your master known munificence is ample warrant that you, that no just pretense of mine or for dowry will be disallowed through this fair daughter self as I ward. ये क्या बोल रहा है? अब वो मैसेंजर को बता रहा है कि जो दूसरा राजा है जिसका मैंने वो स्टार्टिंग में बताया था, दैट मैसेंजर हैज कम फ्रॉम अ डिफरेंट द कोर्ट ऑफ अ डिफरेंट ड्यूक. एंड वो क्यों आया? ही हैज ब्रॉट, व्हाट डू वी से इट हिंदी, रिश्ता लेकर आया है. क्योंकि अब इनकी डचेस तो मर गई, इन्होंने मरवा दिया उसको, तो वो क्या करके आया? रिश्ता लेकर आया है इनके लिए. तो वो क्या बोल रहा है कि ये, कि मुझे पता है आपके ड्यूक के, मैसेंजर को बोल रहा है कि मुझे पता है जो तुम्हारे ड्यूक है, तुम्हारे राजा है, ही इज़ वेरी जेनरस. मैनिफिसेंस का मतलब होता है जेनरस, मुझे पता है वो बहुत जेनरस है. अब वो मुझे बहुत सारी डाउरी दे देंगे. ऑल दो मुझे डाउरी में, मेरा मेन फोकस क्या है? योर फेयर डॉटर. मेरा मेन फोकस है आपकी डॉटर पर. जो भी मुझे वो मिलेगी डाउरी, आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट. I am very much okay and I am very much openly welcoming that dowry. तो ये क्या दिखा रहा है? इसका diplomatic behavior दिखा रहा है Duke का, that he is a diplomat. One side he is saying कि मुझे वो dowry नहीं चाहिए, और दूसरी side क्या कह रहा है कि मतलब एक side बोल रहा है कि daughter में मुझे ज़्यादा interest है, दूसरी side जरा dowry दोगे तो मैं मना किसी चीज़ के लिए नहीं करूँगा. और side by side ये और comment कर रहा है that I know that your Duke is very generous. कि आपका Duke क्या है? बहुत generous है. तो right, तो ये चीज़ हो गई. Clear? And last में क्या बोल रहा है? At starting is my object. Nay, will you go together down, sir? Notice Neptune though taming a seahorse through a rarity which Klaus of Innsbruck cast in bronze for me. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब जाते जाते उसने पहले उसको ड्यूक मैसेंजर को डचेस की पोर्ट्रेट दिखा दी. नाउ ही इज शोइंग हिम अ स्टैचू ऑफ नेपट्यून. नेपट्यून का क्या कर रहा है? स्टैचू. पहले तो पेंटिंग दिखा दी डचेस की, नाउ ही इज शोइंग द this thing, statue of Neptune. Now Neptune is sea god. अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी में देखें, लिटरेचर में हम पढ़ते हैं, देर इज ग्रीक माइथोलॉजी, तो उसमें नेपट्यून इज द सी गॉड. एंड सी गॉड क्या कर रहे हैं? ही इज टेमिंग द सी हॉर्सेज. समुद्र के राजा हैं और वो घोड़ों पे क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं. मतलब उनको क्या कर रहे हैं? उनको काबू में कर रहे हैं. टेमिंग का मतलब पता है? काबू में करना. थॉट अ रियलिटी विच क्लॉस ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी. जिसको किसने बनाया है ये स्टैचू? किसने बनाया? क्लॉस ऑफ इंसबर्ग एक आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया है. और किसका है ये? ब्रॉन्ज का स्टैचू है. जाते जाते पहले तो पेंटिंग दिखा दी, अब उसको क्या दिखा रहे हैं? अपनी रिचनेस दिखाने के लिए उसको स्टैचू और दिखा रहे हैं. किसका स्टैचू दिखा रहे हैं? नेपट्यून का, जो कि क्या है? एक सी हॉर्स को क्या कर रहे हैं? टेम कर रहे हैं. और ये बनाया किसने है? क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने ये स्टैचू को बनाया है. और ये किसका है? ब्रॉन्ज का स्टैचू है. राइट, क्लियर? अब ये पोएम सबको समझ में आ गई होगी. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सी, हमने विक्टोरियन एज को डिस्क्राइब कर लिया कि व्हाट इज विक्टोरियन एज. व्हाट इज विक्टोरियन एज, हमने ये डिस्क्राइब कर लिया. फिर हमने पोएम पोएट्री को पढ़ लिया. अब हम क्या पढ़ेंगे? थीम्स ऑफ द पोएम. राइट, तो व्हाट आर द थीम्स ऑफ द पोएम? लेट्स कम टू द थीम्स. बैकग्राउंड वी डिड इन द अर्लियर क्लास की एक किस कहाँ से बैकग्राउंड लिया गया था. मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ड्रामेटिक लिरिक में पोएम आई थी और इसका अर्लियर टाइटल वॉज इटली. सी, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. व्हाट वॉज द अर्लियर टाइटल ऑफ द पोएम एंड वेन वॉज इट पब्लिश्ड? 1842. आई थिंक दिस पोएम वॉज पब्लिश इन 1842. एंड इन विच बुक कंपाइलेशन, और व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बुक कंपाइलेशन वेयर द पोएम अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना ये एग्जाम में आ जाते. तो पहली बार कब हुई थी? 1842 में. ड्रामेटिक लिरिक करके एक बुक है, उसके अंदर दिस वॉज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड देन क्या था ये? मैंने आपको बताया था अल्फोंसो सेकंड पे इसका ये लूजली बेस्ड है. तो ये चीज़ें इसकी वो है इसकी. और बोल कौन रहा है? सी, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि हु इज स्पीकिंग. तो ड्यूक ऑफ फरेरा, ये ब्राउनिंग भी दे सकते हैं ऑप्शन में. और लोग क्या करते हैं? दे द स्टूडेंट दे मार्क ब्राउनिंग एज द स्पीकर. ब्राउनिंग स्पीकर नहीं है, ड्यूक ऑफ फरेरा इज द स्पीकर. और सीन कहाँ अनफोल्ड हो रहा है? सीन इज अनफोल्डिंग इन द गैलरी ऑफ द पैलेस ऑफ ड्यूक ऑफ फरेरा. राइट, ड्यूक ऑफ फरेरा के पैलेस में एक गैलरी है. वहाँ पे ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन चल रहा है बिटवीन द मैसेंजर एंड द दिस पर्सन, ड्यूक ऑफ फरेरा. नाउ कमिंग टू द थीम्स. अब सी, कोर्स मैंने आपको बता दिया है बहुत लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ये थीम्स क्या है? कि चार थीम दे देंगे, पार, जेलेसी, क्रुएलिटी और सम अदर पॉइंट. तो चार थीम्स दे देंगे, वो आपसे पूछेंगे कि ये इनमें से कौन सा इस पोएम का थीम है और कौन सा नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे. तो थीम्स हम एक बार ही पढ़ लेते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थीम्स ऑफ द पोएम, दैट इज माई लास्ट टचेस. सी, नंबर वन पॉइंट इन द थीम्स पार्ट इज पार. सी, इसको पावर नहीं बोलते, इट्स पार बेसिकली.
तो नॉर्मल लैंग्वेज में पार, तो पार एक बहुत थीम है. थीम मतलब कि इसके सेंट्रल आइडियाज क्या हैं बेसिकली पोएम के लास्ट टचेस के, कि आइडिया क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ डाली है, वो थीम्स हम कह सकते हैं. तो पार एक बहुत बड़ा थीम है इसका पोएम का. फॉर एग्जाम्पल जो ड्यूक है वो एक्सरसाइज कर रहा है पावर. पार कहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, नॉट ओनली इज इन पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. वो राजा है, लोगों पे पॉलिटिकली राज करता है, सोशली अपनी बात लोगों से बनवा लेता है, पर वो इन दोनों चीज़ों में तो अपनी पार दिखा ही रहा है. वो एक जगह और दिखा रहा है, दैट इज हिज मैरिटल लाइफ. यहाँ पे भी वो डोमेन है. डचेस का तो कहीं पर रूल ही नहीं है, शी इज नॉट रूलिंग एनी वेयर. इट इज द ड्यूक हु हैज द अल्टीमेट पावर. ही इज रूलिंग हिज फैमिली विद द फिस्ट, विद आयरन फिस्ट. उसका रूल है वो, मतलब ऐसा था ना कि एकदम शक्तिशाली तरीके से वो क्या कर रहा है, अपनी स्टेट को भी रूल कर रहा है सोशली पॉलिटिकली और अपने घर को भी रूल कर रहा है. तो पार एक थीम है. एंड ही हैज़ द पावर, ही हैड द पावर, दैट इज वाई ही गेव ऑर्डर्स फॉर द डचेस टू बी किल्ड. तो पावर एक इसका थीम, और पावर किसके हाथ में है, इन द हैंड्स ऑफ द ड्यूक. राइट, नेक्स्ट थीम पे आ जाइए. नेक्स्ट थीम है आर्ट. सी आर्ट बहुत बड़ा थीम है इसका. आर्ट कैसे थीम है, क्योंकि जो सारी की सारी पोएट्री है दैट इज बेस्ड ऑन द पोर्ट्रेट और द पेंटिंग विच हैज़ बीन मेड बाय फारा पेंडोल्फ हु इज द पेंटर. तो सारी की सारी पोएट्री है किसके बारे में, वो डिस्क्राइब किसको कर रही है, एक पोर्ट्रेट को ही तो डिस्क्राइब करी है. उन्होंने क्या किया, मैसेंजर ने एक पोर्ट्रेट देखा, ड्यूक ने एक पोर्ट्रेट दिखाया, और सारी की सारी उसके ऊपर बेस्ड है. तो आर्ट इसका बहुत बड़ा थीम है. ठीक है, और यही नहीं, आर्ट उसने कहाँ पे दिखाई, एक स्टैचू भी उसने दिखाया था नेपट्यून का, विच आई हैड टोल्ड यू अभी लेटेस्टली. लास्ट पॉइंट जो था कि नेपट्यून का एक स्टैचू दिखाता है, एंड ही इज टेमिंग द सी हॉर्सेस. तो ये भी क्या है, आर्ट का एग्जांपल है. तो आर्ट भी एक एग्जांपल है कि आर्ट को आगे लेके जा रहे हैं, पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टैचूज के बारे में बात कर रहे हैं. तो आर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम. राइट, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. ये दिखा ना एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है. The Duke also draws attention of the guests towards a beautiful art made by Claus of Innsbruck. जो ब्रॉन्ज स्टैचू की मैं आप बात कर रही हूँ वो, राइट. देन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन. ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन का मतलब है कि वुमेन को क्या कर रहे हैं, एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं. जब मन करा ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जब मन करा क्या किया, शादी कर ली, जब मन करा मरवा दिया, जब मन करा दूसरी शादी कर ली. तो अब क्या है, वुमेन की कोई राइट तो है नहीं. सी, ये पोएम कब लिखी गई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट दिस पोएम वाज बीइंग रिटन बाय इन ब्राउनिंग इन द विक्टोरियन एरा, टाइम पीरियड ऑफ द एरा, राइट. तो विक्टोरियन एरा में क्या हो रहा था, विक्टोरियन एरा में मैन as a human being or as the individual was at the center of everything, be it any profession, be it political, social, cultural, economical. Men kya the, they were ruling not only in the outside domain but also in the interior part. Matlab bahar to theek hai, raja the duniya ke, ghar mein bhi kya hota tha, aadmiyon ka hukum chalta. Jaise humne duke ka example dekha, ab duke ka man kara inko achhi nahi lagi habit to batane se to gaye, kya kiya, queen duchess ko marwa diya. To kya tha society mein, वुमेन जो थी ना एज इंडिविजुअल्स, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रह गई थी, जैसे होते ना एक चीज़ की तरह, वस्तु की तरह रह गई थी, वस्तु बन गई थी. उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी. जब मन करता था आदमियों का उन्हें यूज़ कर लिया, जब मन कर दिया उनको क्या कर दिया, हटा दिया अपने रस्ते. तो दिस वॉज द एज जहाँ वुमेन की कोई आइडेंटिटी नहीं थी. तो ये क्या हो रहा था, तो वुमेन को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था. और ये भी मतलब आयरनी है इसकी पोएम की, मैं आपको क्या मतलब वर्ड्स में, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स की, ये आयरनी है इसकी बहुत बड़ी, कि एक जगह तो मतलब कि ना उसको कुछ बता रहा है वो, कि उसकी, क्योंकि उसकी प्राइड इतनी ज़्यादा है, इतना बुस्टेरियस, इतना आउट ऑफ द बॉक्स है वो, ऑब्नॉक्शियस आई वुड से द ड्यूक इज, कि वो सब चीज़ों को भूल रहा है. और उसने क्या किया, बस एक उसका मन किया, उसकी वो राजा है, उसकी चलती है. तो उसने क्या किया, ही गेव ऑर्डर्स एंड ask the people to or ask the servants to get the duchess killed. तो ये objectification है वुमेन का. वुमेन को क्या कर रहे थे, एक चीज़ की तरह, वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे थे, राइट. क्योंकि सोसाइटी ऐसी थी उस टाइम की. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या टॉपिक लेते, ऐसे ही लेते. पर इन्होंने क्या किया, ये उस चीज़ को बताना चाह रहे थे लोगों को, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कि ऐसा है, हमें ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, एंड वी शुड मूव टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ये चीज़ कहना चाहते थे, राइट. तो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन. फिर प्राइड, अब प्राइड भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अब हमें पता है कि भाई
we know that the Duke is not liking certain things. Duke is not liking that the Duchess is smiling at everything. She is smiling at the sunset. She is smiling at the fools who are giving her gifts. He is not liking anything when she is smiling at other individuals. And he is also not liking when she is comparing her gifts, her lineage to some random person's gift. So when we know that he is not liking, but there is this big pride that he has because he is a Duke. He has a lot of pride in himself, in his body, in his mind, that instead of communicating that things or those things to this Duchess, he asked or he gave orders for her to be killed. So, this is pride. What is this? Pride ko bolte na hum uski उसका गुस्सा उसकी मतलब अकड़ है ये कि वो राजा है वो झुकेगा नहीं अगर उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो वो अगर उसको बता देगा ना तो वो भी उसकी नज़रों में क्या है झुकना है तो वो झुक नहीं सकता वो उसको बता नहीं सकता तो वो इन चीज़ों को क्या कर रहा है करेक्ट कर मतलब प्राइड इसका एक टॉपिक है क्योंकि वो क्या कर रहा है बताएगा ही नहीं उसको राजा है भाई क्यों उसको सामने बोलेगा अगर वो बता देगा तो वो छोटा हो जाएगा एंड वो क्या नहीं होना चाहता वो छोटा नहीं होना चाहता तो इसलिए उसको बताएगा ही नहीं और सीधा क्या कर देगा ऑर्डर दे देगा कि इसको मार दो राइट फिर नेक्स्ट क्या है कम्युनिकेशन गैप कम्युनिकेशन गैप क्या है अब नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं हम आजकल की शादियों में देखते हैं देयर इज दिस हस्बैंड एंड देयर इज दिस वाइफ दे टॉक एंड दे फाइंड सॉल्यूशन ऑफ थिंग्स पर पहले के टाइम में क्या होता था अब ये राजा है इतनी प्राइड इनके अंदर भरी हुई है कि ये अकड़ इतनी ज़्यादा है इनकी ये बोल ही नहीं पा रहे तो देयर इज दिस कम्युनिकेशन गैप ये बोलता भी है एक लाइन में दैट आई डू नॉट हैव द गिफ्ट ऑफ स्पीच आपके पास हो सकता है कि आपके पास कम्युनिकेशन करने की वो सकती है एबिलिटी हो सकती है पर मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है तो मैं डचेस को अगर बताना भी चाहूँ तो मैं नहीं बता पाऊँ एक तो मेरे पास एबिलिटी नहीं और दूसरी मेरी प्राइड मुझे अलाउ नहीं करेगी तो ये क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है दोनों में मतलब नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ जैसे रहते हैं दे आर नॉट लाइक दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो भी रही है तो वो उसको ब्रिज नहीं कर रहे गैप को बता नहीं रहा कि मुझे नहीं पसंद आ रहा ये नहीं आ रहा तो मत करो कम्युनिकेशन गैप दिखा रहा है कि देयर इज अ काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बात नहीं कर रहे एक दूसरे से बस कॉर्डियल टर्म्स पे हाय हेलो स्माइल हो जाती है पर इन डेप्थ जो बातें होती हैं बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट डूइंग दैट दे आर डिवॉइड ऑफ दैट राइट तो ये कम्युनिकेशन गैप है फिर जेलेसी देख लेते हैं अब ऑब्वियसली जेलस तो है ही हो वो सनसेट से भी अगर सनसेट को देख के हंस रही है देन ही इज ऑल्सो जेलस ऑफ दैट कोई उसको फ्लावर्स दे देता है उसको देख के भी वो जेलस हो जाता है अब मैं कोई फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ अ नॉर्मल गर्ल अगर वो सनसेट को देख के खुश हो रही है तो इट्स ओके इट्स फाइन देर इज नथिंग टू बी जेलस अबाउट वो नॉन लिविंग चीज़ है भाई सनसेट को देख के कोई भी खुश हो सकता है बट हियर ही इज सो अनमाइंडफुल सो अबनॉक्शियस द ड्यूक दैट ही इज गेटिंग जेलस इवन ऑफ सनसेट कि सनसेट पर भी जेलस हो रहा है अब वो अपने जब म्यूल पे बैठ के टेरेस पे घूमती है वो उससे भी जेलस है तो जेलसी इसका बहुत बड़ा थीम है उसने अपनी जेलसी में और प्राइड में और कम्युनिकेशन गैप जो उसका था उसी के अंदर क्या किया डचेस को मरवा दिया ठीक है अब क्रुएलिटी भी बहुत है क्रूएल का मतलब क्या है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको क्रूएल को हम क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कट्टर टाइप का है और बहुत ज़्यादा निर्दयी है कठोर है तो वो वैसे टाइप का भी है कठोर टाइप का बहुत अब ऑब्वियसली कठोर टाइप का नहीं होता तो डचेस को जाके बात ही बता देता उसको मरवाता तो नहीं तो क्या है ये बहुत क्रूर टाइप का है क्रूअल टाइप का है जैसे होते ना कि बड़ा गंदा नेचर है क्रूर गंदा नेचर वैसे टाइप का इसका नेचर है अगर वैसे टाइप का नेचर नहीं होता तो द डचेस वुड हैव बीन अलाइव एंड ही वुड हैव टोल्ड हर दैट आई एम नॉट लाइकिंग दिस बिहेवियर ऑफ योर्स प्लीज करेक्ट इट पर ऐसा उसने नहीं किया क्रुएलिटी दिखाता है ग्रीड अब लालची भी है अब लालची कैसे है अब एक डचेस तो उसने मरवा दिया दूसरी के लिए तो पहले ही इज़ रेडी फॉर द मैरिज तो एंड जब व्हेन ही इज़ रेडी फॉर द मैरिज ही इज़ आस्किंग फॉर डाउरी आल्सो एंड डाउरी के लिए भी ही इज़ नॉट आस्किंग डायरेक्टली ही इज़ सेइंग इनडायरेक्टली दैट आई नो कि तुम्हारे जो राजा हैं वो बड़े जेनरस हैं तो पहले ही बोल रहा है मुझे पता है जेनरस हैं तो मैं डाउरी लेने में पीछे नहीं हटूंगा ऑल्दो आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट आई नो योर डॉटर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेक योर फेयर डॉटर मतलब मुझे तुम्हारी डॉटर ही चाहिए वही चाहिए रिश्ते में तो पर अगर आप डाउरी दोगे और मुझे पता है आप बढ़िया ही करोगे जब वो होता ना प्रेशराइज कर दिया इनडायरेक्टली तो ही इज़ आस्किंग फॉर डाउरी इनडायरेक्टली कि मुझे पता है आपका जेनरस नेचर है तो इसकी ग्रीड को शो करता है कि ही इज़ ग्रीडी एंड ही इज़ डिप्लोमेटिक क्लियर मर्डर एंड सैडनेस लास्ट मर्डर एंड सैडनेस कैसे है मर्डर कर दिया डचेस का सैड क्यों है कि वो डचेस हु वाज सो फ्रेजाइल सो काइंड हार्टेड सो इनोसेंट सो मीक डोसाइल जो कितने भी एडजेक्टिव आप यूज़ कर लो डचेस के लिए वो सब ऐसी थी वो नॉर्मल अपने में हंसती थी
कोई उसे, ये तो कॉमन कर्टेसी होती है, somebody gives you gifts, you obviously smile at that person, तो उसमें आपकी गलती क्या, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है. तो शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, docile एंड फ्रजाइल काइंड ऑफ अ पर्सन. बट दिस ड्यूक बींग बॉस्टरस एंड बींग प्राइडफुल, दीज वर लाइक हिज क्वालिटीज. ये ड्यूक बड़ा प्राइडफुल था, बोस्टेरियस था एंड स्ट्रॉन्ग हेडेड था, ग्रीडी था, क्रूअल था. उसको एक चीज़ समझ में नहीं आती, तो ही गेव ऑर्डर्स फॉर हर मर्डर. एंड सैडनेस क्यों है? ऑब्वियसली सैडनेस इसलिए क्योंकि इतना प्योर सोल, इतना काइंड सोल, जो इनोसेंट था, उसको क्या हो गया, जाना पड़ा, उसकी डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, राइट. तो ये क्या है, इसके सारे सारे थीम्स. अब वो पूछ सकता है एग्जाम्स में कि उसने लिख दिया ग्रीड, सैडनेस, मर्डर, ये इनमें से कौन सा थीम है और कौन सा थीम नहीं है, तो आप बता सकते हो कि ये थीम्स हैं इसके. एक बार दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं. आई एम सॉरी इफ दिस इज नॉट विजिबल, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. यस, पावर एक थीम था, मैंने आपको बता दिया. पावर के बाद आया आर्ट, आर्ट के बाद ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, देन प्राइड, फिर कम्युनिकेशन गैप था दोनों के बीच में, फिर जेलिसी उसकी ड्यूक की, फिर क्रुएलिटी, एंड देन ग्रीड. और ग्रीड के बाद लास्ट क्या है, मर्डर एंड सैडनेस. ग्रीड आपको मैंने बता ही दिया, ग्रीड क्या थी, he was greedy, he was asking for dowry indirectly. Clear everybody? Now let's come to, अब हमने क्या पढ़ लिया है, let's do a quick revision. We are studying Robert Browning's poem, that is my last Duchess. उसमें हमने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी, एरा, विक्टोरियन एरा, उसके फीचर्स की, क्या फीचर्स थे जब ब्राउनिंग अपनी पोएट्री लिख रहे थे, बिकॉज जो उस टाइप पे हो रहा था वही उनकी पोएट्री में क्या होगा, इनकॉर्पोरेट होगा. ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विक्टोरियन एरा में जब ये लिख रहे थे रॉबर्ट ब्राउनिंग तो फीचर्स क्या थे और क्या नहीं थे. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने आपको बताया ये कि बहुत डिटेल्ड पेपर आएगा तो हमें डिटेल स्टडी करनी है, वी कैन नॉट बी एंटायरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड. ठीक है, डिटेल स्टडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड एग्जामिनेशन बिकॉज द कोर्स इज वेरी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, उसके फीचर्स पढ़े थे विक्टोरियन एज के. फिर हमने क्या पढ़ा, लाइन टू लाइन हमने पोएट्री को समझा, फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े, सॉरी नॉट फीचर्स, हमने इसके थीम्स पढ़े पोएट्री के. थीम्स क्या थे, पावर, जेलिसी, क्रुएलिटी, ग्रीड, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, आर्ट, ये सब इसके क्या थे, थीम्स थे. ठीक है, अब थीम्स के बाद हम क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट चीज, ये सी, दिस इज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. जो भी मैंने आपको बताया है, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दैट, तो आप इन लाइन्स को भी रेफर कर सकते हैं कि लाइन 5 to 13 पे क्या मीनिंग है और लाइन 13 to 21 का क्या मीनिंग है. यू कैन रेफर टू दिस ऑल्सो, यू कैन प्ले बैक द वीडियो ऑल्सो, वट एवर यू लाइक. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द फिगर ऑफ स्पीचेज. अब फिगर ऑफ स्पीचेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है फिगर ऑफ स्पीचेज. फिगर ऑफ स्पीचेज से सबको पता होगा ना, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, ये सारी क्या होती हैं, फिगर ऑफ स्पीचेज. अब इसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेज हैं, लेट्स कम टू द फिगर ऑफ स्पीचेज कि पोएम में कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेज यूज करी है. सबसे पहली है सिमिली. अब सिमिली क्या होता है, जिसको नहीं पता उसको बता देती हूँ मैं सिमिली क्या होता है. सिमिली होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और हम क्या यूज करते हैं, एज और लाइक. जब हम दो वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या होता है, सिमिली. और हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं पर हम एज और लाइक नहीं यूज करते तो वो होता है मेटाफर. सिमिली और मेटाफर में यही डिफरेंस होता है. सिमिली में वी यूज एज एंड लाइक, एंड मेटाफर में वी जस्ट कंपेयर टू थिंग्स. ठीक है, अब मैं किसी को बोलूं शी शाइन लाइक अ स्टार, किसकी तरह चमको, तारे की तरह, तो मैं किसकी तरह कंपेयर करा रही हूँ, तारे की तरह, और लाइक का यूज कर रही हूँ, तो ये क्या है, सिमिली है. क्लियर, अब बुक में देख लेते हैं इसमें कहाँ एग्जाम्पल आ रहे हैं. ये रहा इसमें, ये क्या पूछेंगे वो आपसे, ये नहीं पूछेंगे कि सिमिली क्या होता है और सिमिली का एग्जाम्पल क्या होता है. वो आपको क्या बोलेंगे कि दीज आर द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड विच लाइन हैज़ गॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली. तो वो आपको पोएम में से एक लाइन दे देंगे और बोलेंगे सिमिली बताइए इसमें से कहाँ पे आ रही है. तो हम सिमिली बताते हैं पोएम में कहाँ आ रही है. दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव. एज आ गया ना, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, कैसे लुक कर रही है, जैसे वो जिंदा हो. तो ये क्या है, एग्जाम्पल है सिमिली का. बिजी एज अ बी, शाइन लाइक अ स्टार, तो ये सारे क्या है, बिजी एज अ बी, किसकी तरह बिजी, बी की तरह, मधुमक्खी जैसे काम करती रहती है ना, कहते हैं ना बिजी एज अ बी, तो वो क्या है, वो भी सिमिली है. लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव,
ऐसी लग रही जैसे अलाइव हो, क्या कंपैरिजन चल रहा है लिविंग और नॉन लिविंग में, क्या कर हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, सिमिली का एग्जांपल है। जब हम एज और लाइक यूज करते हैं दैट इज नोन एज सिमिली। और बुक में और सॉरी पोएम में क्या एग्जाम्पल है सिमिली का, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। क्लियर, बिकॉज एज आ रहा है, हम लिविंग और नॉन लिविंग को क्या कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर, नाउ लेट्स कम टू आयरनी। आयरनी पढ़ लेते हैं। When the intended meaning of the writer is different from the actual meaning, when the intended meaning of the writer is different from the actual meaning, हम कहना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और है। कहना क्या चाहते हैं कुछ और है, बोलते कुछ और है, that is irony। अब irony के example सुन लो, for example the police station has been robbed। अब पुलिस स्टेशन हैज़ बीन रॉब्ड, मतलब ये आयरनी है। मतलब देखिए क्या, पुलिस स्टेशन जिनका काम, पुलिस का काम क्या होता है, लोगों को बचाना, और उसी में चोरी हो गई, तो ये क्या है, ये एग्जांपल है आयरनी का। क्लियर, मैंने बोला द फायर स्टेशन हैज़ बीन बर्न्ड, फायर स्टेशन बर्न हो गया। अब फायर स्टेशन क्या काम करता है भाई, आग बुझाने का काम करता है, और उसी में आग लग गई, तो ये क्या है आयरनी है। क्लियर, बोलते कुछ है और मीनिंग कुछ और ही है, मतलब अलग ही है, मतलब दुर्भाग्य हो गया, दैट इज़ आयरनी। क्लियर, अब आयरनी का यहाँ पे बुक में पोएम में एग्जांपल देख लेते हैं, माय लास्ट डचेस, टाइटल जो है वही बड़ी आयरनी है, माय लास्ट डचेस। अब ड्यू क्या कह रहा है, माय लास्ट डचेस, मेरी लास्ट डचेस। अब टाइटल तो हो गया माय लास्ट डचेस, और क्या कर रहा है, रिश्ता देख रहा है अपना, तो लास्ट डचेस कहाँ से होगी, जब रिश्ता देख रहा है, जब मैसेंजर आया है, व्हेन देयर इज अ मैसेंजर एंड ही हैज कम फॉर व्हाट वी कॉल हिज हैंड इन मैरिज, तो ये कैसे हो गया लास्ट डचेस, कैसे बन गई, वो नहीं बन सकती। तो द टाइटल इटसेल्फ इज एन आयरनी, वो पूछने की आयरनी कहाँ है, तो द टाइटल इटसेल्फ इज एन आयरनी, बिकॉज दैट इज नॉट हिज लास्ट डचेस, ही इज लुकिंग फॉर अनदर मैरिज, ही इज विलिंग टू गेट मैरिज टू सम अदर फ्रॉम फॉर द डॉटर फ्रॉम द डॉटर ऑफ सम अदर काउंट और अदर ड्यूक, ही इज विलिंग टू गेट मैरिड, तो इट इटसेल्फ इज एन आयरनी इन इटसेल्फ, बिकॉज माय लास्ट डचेस, लास्ट तो वो है ही नहीं, वो तो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है आयरनी है, दुर्भाग्य है, अजीब सी बात है। तो कोई अजीब सी बात ऐसी होती है ना जिसका कोई तुक नहीं बने, सर पैर नहीं हो, वो आयरनी, राइट। अब हाइपरबली में आ जाओ, हाइपरबली बोलते हैं इसको। हाइपरबली का क्या मतलब होता है, हाइपरबली होता है ओवर एग्जैचुरेशन कर दी किसी चीज़ की। अब मैं बोलूँ शी इज एज टॉल एज एफिल टावर, अब एफिल टावर कितना बड़ा है, कोई उसके जितना बड़ा हो सकता है। मैं बोलूँ वो शी ही इज एज फास्ट एज अ चीता, अब चीता इतनी तेज भागता है, वो भाग सकता है ओरिजिनली, कहने की बात है, मतलब ओवर एग्जैजरेशन कर लो। शी इज एज फेयर एज मिल्क, अब दूध जितना वाइट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये बोलने की बात होती है, ओवर एग्जैजरेशन जब किसी चीज़ की हो जाती है, हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, तो दैट इज हाइपरबली। अब वो क्या बोल रहा है, हाइपरबली का एग्जाम्पल कहाँ है पोएम में, शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, वो क्या करती थी, वो देखती थी, बोलता है ना द ड्यूक दैट शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, वो देखती थी एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। अब एक बात बताओ, यहाँ खड़ी है तो कोई दिल्ली थोड़ी देख लेगी, अब हम जयपुर में खड़े हैं तो कैन फॉर एग्जांपल कैन द डचेस सी द ताजमहल, नहीं देख सकता। तो ये ओवर एग्जैजरेशन है, हाइपरबली है, दैट व्हेन शी इज स्टैंडिंग समवेयर हाउ कैन शी लुक एवरीवेयर, नहीं देख सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। तो ये ओवर एग्जैजरेशन है ड्यूक का, कि वो क्या कर रही थी, वो देखती तो थी और हर जगह देखती, अब हर जगह तो वो नहीं देख सकती ना, दैट इज रॉन्ग, मतलब सेंस ही नहीं बना रही है वो चीज़। तो ये क्या है, ओवर एग्जैजरेशन है ड्यूक की, तो ये हाइपरबली का एग्जांपल है। क्लियर, हाइपरबली क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को ओवर एग्जैजरेट करते हैं, तेज भागता है चीता कितना, नहीं भाग सकता भाई, वो ओवर एग्जैजरेशन है, किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, तो हाइपरबली। ठीक है, अब सिंबलिज्म होता है, नेक्स्ट आ जाओ, द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई एन ऑब्जेक्ट आइडिया ऑफ क्वालिटी। बहुत बार ऐसा होता है, हम पोएम्स में क्या करते हैं, वी यूज सिंबल्स टू सिग्निफाई एनी ऑब्जेक्ट आइडिया क्वालिटी एल्स देन इट्स लिटरल मीनिंग। बहुत बार क्या होता है, दैट इज नोन एज सिंबलिज्म। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पोएम्स में क्या करते हैं, वी यूज वर्ड्स कैरेक्टर्स और वी यूज सर्टन डिपिक्शन टू रिप्रेजेंट समथिंग इन अ पोएम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें म्यूल यूज हुई थी, कि क्या करती थी, डचेस यूज टू राइड अ म्यूल, शी यूज टू रोड ऑन हर म्यूल ऑन द टेरेस। तो म्यूल एक टाइप का बर्ड टाइप की होती है जिसके साथ वो घूमती थी टेरेस पे। तो म्यूल यहाँ पे किसका सिंबल है, डचेस का सिंबल है। तो बुक में क्या कह रहे हैं, सिंबलिज्म क्या होता है, पोएट्री में बहुत बड़ी हिडन सिंबल्स होते हैं जो किसी ना किसी चीज को रेफर करते हैं।
जैसे म्यूल हो गया, म्यूल अब वाइट कलर की है तो वो क्या हो गई, प्योर हो गई। तो प्योर बुक में कौन था, डचेस ही प्योर थे बेचारी का, क्या हुआ इसका, शी वॉज किल्ड एंड उसका क्या हो रहा था, हिंदी में हम बोलते हैं ना देयर इज दिस वर्ड उत्पीड़न हो रहा था, तो दैट इज वॉट वॉज हैपनिंग विद हर इन द पोएम, इन द एंटायर पोएम देयर वॉज शी हैड नो फॉल्ट एट ऑल एंड शी वॉज बींग किल्ड बाय एन ऑब्नॉक्शियस पर्सन। तो यहाँ पे क्या है, म्यूल इज अ बर्ड विच इज कंसिडर्ड प्योर एंड शी इज अ सिंबल, दिस म्यूल इज अ सिंबल ऑफ द डचेस, क्योंकि डचेस क्या थी, प्योर थी, शी वॉज काइंड हार्टेड, शी वॉज फुल ऑफ लव केयर एंड शी वॉज अ प्योर सोल। तो जैसे एक म्यूल प्योर होती है, वैसी क्या है, डचेस भी प्योर है, तो म्यूल इज अ सिंबल ऑफ द डचेस। ठीक है, तो म्यूल किसका सिंबल है, म्यूल इज द सिंबल ऑफ डचेस, प्योर, दोनों का क्या मतलब है, प्योर, जैसे म्यूल प्योर है वैसे डचेस भी प्योर है, क्लियर। अब एक हमने पढ़ा था नेपट्यून, अब नेपट्यून किसका सिंबल है, पूछते ना कि किसका सिंबल क्या है पोएम में, आ सकता है दैट नेपट्यून स्टैंड्स फॉर हु, तो नेपट्यून स्टैंड्स फॉर द ड्यूक। अब नेपट्यून हमने पढ़ा था क्या कर रहा था, नेपट्यून वॉज द सी गॉड एंड ही वॉज टेमिंग द सी हॉर्सेज एंड द स्टैचू वॉज मेड बाय कॉल्स ऑफ इन्सबर्ग, ब्रॉन्ज का स्टैचू ना जो मैसेंजर को एंड में दिखाता है, तो नेपट्यून क्या था, सी गॉड थे, वो क्या कर रहे थे, घोड़ों पर कब्जा कर रहे थे अपने। तो ये कब्जे वाला नेचर किसका है पोएट्री में, हुक्म चलाने वाला, ऑर्डर देने वाला, ये नेचर किसका है पोएट्री में, ड्यूक का है, वो ही तो ऑर्डर दिया तभी तो डचेस मर गई। तो ये नेपट्यून जो है वो किसका सिंबल है, ये ड्यूक का सिंबल है, और म्यूल जो कि एक सुंदर सा प्योर सी बर्ड होती है वो किसका सिंबल है, वो डचेस का सिंबल है। तो दिस इज सिंबलिज्म कि पोएट्री के अंदर, वर्क के अंदर क्या होता है, हिडन सिंबल्स होते हैं विच रेफर टू समथिंग, दैट इज सिंबलिज्म। म्यूल डचेस के लिए और नेपट्यून किसके लिए, ड्यूक के लिए। अब नेक्स्ट आ जाओ एंजैम्बमेंट, एंजैम्बमेंट क्या होता है, एक टेक्निक होती है ऑफ राइटिंग, लिखने का एक तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन में चले जाते हैं विदाउट एनी पॉज और फुल स्टॉप और कॉमा। एंजैम्बमेंट एक टेक्निक होती है ऑफ राइटिंग वेयर वी मूव फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट एनी फुल स्टॉप और कॉमा। जब मैं आपको पोएम पढ़ा रही थी इन द वेरी बिगिनिंग, मैं आपको बताया थी बहुत सारी लाइनें मैंने एक साथ पढ़ दी एंड आई सेड दैट कोई पॉज ही नहीं है तो हमें सारी साथ समझनी पड़ेंगी, तो दैट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्बमेंट। इसमें क्या होता है, हम एक के बाद एक लाइन लिख दिया, जैसे होता है ना बड़बड़ाते हैं हिंदी में, तो बड़बड़ा दिया, कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा नहीं है, एंजैम्बमेंट, ये एंजैम्बमेंट है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस मैंने बताया था जेनरस बिहेवियर, जेनरस, ठीक है। तो यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं, कॉमा नहीं, नेक्स्ट लाइन में आ गए, इज एम्पल वॉरेंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड ऑफ डाउरी विल बी डिसअलाउड, यहाँ पे कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे थर्ड लाइन में कॉमा दे रहे, ऐसी ऊपर भी पोएम की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, देन ऑल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग, पांच लाइनें बोल दी, देर इज नो कॉमा नो फुल स्टॉप नथिंग, सिर्फ बोले जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, स्किप कर रहा है ड्यूक ऑफ फेरेरा, राइट। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्बमेंट, जब आप एक लाइन से दूसरी लाइन में कूद जाते हो विदाउट एनी प्रॉपर पॉज गैप फुल स्टॉप कॉमा, दैट इज एंजैम्बमेंट, राइट। अब एल्यूजन पे आ जाओ, एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन्स आर बेसिकली रेफरेंस, रेफरेंस टू एनी फेमस इंसिडेंट्स पर्सन और वर्क ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री। एल्यूजन का मतलब होता है हम किसी जैसे पुराने टाइम की किसी जो अब ये इंसिडेंट हो गया, पर्सन हो गया, ये वर्क ऑफ आर्ट हो गया ना हिस्ट्री, उससे हम रेफरेंस लें हमारे वर्क में। अब यहाँ पे क्या है, नेपट्यून, अब नेपट्यून ग्रीक माइथोलॉजी में कभी आए थे, नेपट्यून किसका एग्जाम्पल है, सिंबल का भी एग्जाम्पल है और ये एल्यूजन का भी एग्जाम्पल है, गॉड ऑफ गॉड नेपट्यून टेमिंग द सी हॉर्स, ये एल्यूजन है। हमने कहाँ से उठाया है, हिस्ट्री से उठाया है हमने, हु ग्रीक माइथोलॉजी से हमने उठाया है। तो दिस इज वॉट एल्यूजन, रेफरेंस है टू अ इंसिडेंट पर्सन और अ वर्क ऑफ आर्ट, किसी पर्सन वर्क ऑफ आर्ट या इंसिडेंट, मतलब कोई घटना हुई हो, कोई इंसान हो, कोई वर्क ऑफ आर्ट हो, जब हम उससे रेफरेंस लेते हैं, हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ हुई हो, जब हम उससे रेफरेंस लेते हैं और हम पढ़ते हैं उसको, हम अपने वर्क में डालते हैं, दैट इज़ नोन एज एल्यूजन। और यहाँ पे एल्यूजन किसका है, गॉड नेपट्यून, नेपट्यून का, नेपट्यून जो टेम कर रहे थे सी हॉर्सेस को, जो कि किसका सिंबल है, ड्यूक का सिंबल है। तो ये क्या है, एल्यूजन है, क्योंकि वो हमने हिस्ट्री से उठाए हैं, हमें पता है ना एंशंट ग्रीक में थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट नेपट्यून एज अ सी गॉड वॉज देयर
एंड देयर इज अ रेफरेंस टू दिस पर्सन, तो क्या है ये एल्यूजन है, क्लियर, तो इसको हम एल्यूजन बोलते हैं. एंड लास्ट इज रेटोरिक क्वेश्चन. रेटोरिक क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द पोएम बट उनका कोई आंसर नहीं आता. हम क्वेश्चन फिर पूछ क्यों रहे हैं, एम्फेसिस देने के लिए चीजों को, आंसर नहीं मिलेगा. रेटोरिक क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन पोएट्री अगेन एंड अगेन. देयर इज अ हैबिट ऑफ ऑल पोएट्स और ऑथर्स, दे आस्क रेटोरिक क्वेश्चंस इन पोएट्री. अब रेटोरिक क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर कोई आंसर नहीं आता उनका, और क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं, सो एज टू ले एम्फेसिस ऑन दैट पार्ट. अब ये क्या है, Whose troops to blame this sort of tripling? ये एग्जाम्पल किसका है, इसका, रेटोरिक क्वेश्चन का, क्लियर, कि क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे आंसर नहीं मिला इसका, ऑल द ड्रामेटिक मोनोलॉग है मिलता भी नहीं, बट क्वेश्चन पूछ लिया कोई आंसर नहीं, पर क्यों पूछ रहा है, एम्फेसिस देने के लिए, किस चीज पे एम्फेसिस देने का है, बट हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग, कौन झुकेगा, ये वाली बात डचेस को समझाने के लिए बोलता है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि कौन झुकेगा, ये वाली बात बोलने के लिए, कि वो सो प्राइडफुल कि वो झुकना ही नहीं चाहता था, तो ये किसका एग्जांपल है, रिटोरिक का है, वो सिर्फ एम्फेसिस देना चाहता है अपने क्वेश्चन पूछ के, इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा उसको, बस वो क्या कर रहा है, अपने क्वेश्चन पूछ के एम्फेसिस दे रहा है कि डचेस का नेचर ऐसा था और मेरा नेचर ऐसा है, मैं झुक नहीं सकता. और यहाँ पे क्या बता रहा है, बट हु वुड पास विदाउट मच द सेम स्माइल, वो बोल रहा है कि कौन निकलता उसके पास से जिसको वो ऐसी सेम स्माइल ना देती, वो तो सबको सेम स्माइल देती, तो वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन के थ्रू अपना इम्फेसिस लेकर रहा है, ओके दिस वाज द नेचर ऑफ द डचेस, शी यूज्ड टू स्माइल एट एवरीबॉडी, आई वाज नॉट यूनिक, माय गिफ्ट्स वर नॉट यूनिक, आई वाज नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग वाज वन एंड द सेम फॉर हर. तो ये इसका क्या है, रेटोरिक क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा और हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चन टू ले इम्फेसिस ऑन समथिंग. एक बार दोबारा से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. नंबर वन क्या है, सिमिली, जब हम एज और लाइक का यूज करते हैं और दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दैट इज सिमिली. आयरनी क्या है, जब इंटेंडेड मीनिंग और जो बोला गया एक्चुअल मीनिंग डिफरेंस हो. माय लास्ट डचेस आयरनी है, लास्ट डचेस नहीं है वो, ही इज लुकिंग फॉर अनदर हैंड इन मैरिज, डॉटर से शादी करना चाहता है ऑफ सम डिफरेंट ड्यू, तो दिस इज नॉट द लास्ट डचेस, The Duchess was not the last. She is intending to get married too. So, जब actual meaning और intended meaning में difference होता है, that is known as irony. Hyperbole was exaggeration. जब किसी चीज़ को हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते थे, ओ ये इतना तेज़ भाग रहा है, इतना तेज़ चल रहा है, तो Usain Bolt अब है थोड़ी Usain Bolt. तो वो over exaggeration है, ठीक है. Symbolism क्या है, जब symbol use, हम object और क्या करते हैं, हम symbol कर लेते हैं, कि poem में बहुत बारी क्या होता है, symbols, hidden meanings होते हैं, किसी फॉर एग्जाम्पल किसी भी इवेंट कैरेक्टर इंसिडेंट के पीछे क्या होता है, हिडन मीनिंग्स होते हैं, तो दैट इज नोन एज सिम्बलिज्म. फॉर एग्जाम्पल ड्यूक का सिंबल क्या था, गॉड नेपट्यून, नेपट्यून, क्योंकि ये भी कब्जा कर रहे हैं, ड्यूक का भी नेचर यही है कब्जे करने वाला. एंड म्यूल किसका सिंबल था, वॉज द सिंबल ऑफ द डचेस, बिकॉज म्यूल एज अ बर्ड इज वेरी प्योर, वाइड, प्योर, सरीन, सेम इज द केस विद दिस डचेस. Enjambment मैंने आपको बता दिया है, when we move to another line without any proper gap, punctuation, when the sentence is carried over to the next line without any pause is known as enjambment. अलग line में चले गए, कोई pause नहीं होता. Allusion क्या होता है, references, history की references हम उठा के अपने walk में डाल देते हैं, that is allusion. और rhetoric question, जिस question का कोई answer ना मिल रहा हो but is used for laying emphasis, that is rhetoric question, ठीक है. फीचर्स हम पहले पढ़ चुके हैं विक्टोरियन पोएट्री के. नाउ लेट्स कम टू द फ्यू एमसीक्यूज दैट आई हैव इन स्टोर फॉर यू. हाँ आ जाइए, चलिए एमसीक्यू करते हैं, बिकॉज एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट. हु इज द नरेटर, मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन आता है, हु इज द नरेटर और द स्पीकर इन दिस पोएम. नरेटर और स्पीकर कौन है भाई पोएम का, रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएट, ड्यूक और डचेस, कौन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ये सिर्फ पोएम लिख रहे हैं पर ये स्पीकर नहीं है, नरेटर नहीं है. नरेटर कौन है, ड्यूक है. कौन बताया था मैंने नरेटर ड्यूक है. रॉबर्ट ब्राउनिंग को कोई टिक नहीं लगाएगा अगर एग्जाम में आ गया तो, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वेयर इज द डचेस, हु इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम. डचेस कहां पर है, डचेस के बारे में बात चल रही है, शी इज द सेंटर ऑफ द ड्यूक्स अटेंशन, तो वेयर इज शी, उनका क्या है, कहाँ है वो, शी इज इन द रूम, शी इज वेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द ड्यूक्स कंपनी, शी हैज बीन बैनिश्ड फ्रॉम द कैसल और शी इज डेड.
वो रूम में है या फिर दूसरे लोगों के साथ वेट कर रही है, या फिर उनको बैनिश का मतलब होता है निकाल दिया, या फिर कैसल से निकाल दिया, या फिर शी इज डेड। क्या होगा आंसर? शी इज डेड, मर गई है ना, उसने ऑर्डर दिए थे ना, पोएट्री में हमने पढ़ा था ना, देन आई गेव ऑर्डर्स एंड आई गेव कमांड, तो कमांड का क्या मतलब होती है, मरवा दिया उसको, बैनिश नहीं करा, मरवाया इसने। क्लियर? तो इसका ये आंसर होगा। व्हाट इज मेंट बाय द फेस द स्पॉट ऑफ जॉय? एक हमने फेस पढ़ा था द स्पॉट ऑफ जॉय, होता ना उसके गालों पे लाली आती है, ब्लश आता था डचेस के, तो वो क्या है? व्हाट इज मेंट बाय द फेस अ स्पॉट ऑफ जॉय, तो क्या मतलब है? अ ब्राइटनेस इन द आई, अ ब्लश, अ टाइम ऑफ मेरिमेंट, अ टीयर। क्या आंसर होगा इसका? स्पॉट ऑफ जॉय का मतलब होता है स्पॉट, होते ना गालों में ब्लश, लाली जिसको बोलते हैं, तो ब्लश होगा, आंखों में नहीं होता, और क्या होता है, टाइम ऑफ मेरिमेंट नहीं होता, आंसू भी नहीं होते, ब्लश होता है, लाली जिसको बोलते हैं। क्लियर? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिव द रीडर्स द इम्प्रेशन दैट द ड्यूक वॉज अ फॉन्ड हस्बैंड? कौन सी लाइन इनमें से ये बता रही है कि ड्यूक जो है वैसे तो वो था नहीं, पर कौन सी ये लाइन बता रही है कि ड्यूक जो था ना वो थोड़ा लविंग केयरिंग हस्बैंड था? अब कौन सी चीज़ दिखा रही है? फेरा पेंडोल्फ हैंड्स वर्क बिजिली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स, फेरा पेंडोल्फ के हाथ, ये पहला ऑप्शन है। कौन सी चीज़ ऐसा दिखा रही है लाइन इनमें से कि जो बताया कि ड्यूक का कैसा नेचर था? लविंग नेचर था। अब कौन सी लाइन बता रही है, आप खुद देखो। फेरा पेंडोल्फ हैंड वर्क बिजिली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स, कि फेरा पेंडोल्फ के हाथों ने पूरे दिन काम करा, मेहनत से पेंटिंग बनाई। अब ऑब्वियसली ये तो होने से रहा, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड, उसके पास दिल था और वो ऐसा था कि बड़ी जल्दी खुश हो जाता था, ये भी नहीं है। विल इट प्लीज यू राइज, वील मीट द कंपनी बिलो देन, ये मैसेंजर को बोलता है ना कि आप खड़े हो जाओ, हर हम कंपनी से नीचे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। आंसर क्या है फिर इसका? Since none puts by the curtain I have drawn for you but I, कि ये क्या लविंग हस्बैंड थे, ही वो सच अ लविंग हस्बैंड, ऑल्दो प्राइड इनकी ज़्यादा ऊपर थी पर लविंग हस्बैंड ये थे। वो क्या बोल रहा है कि आपका कर्टन, इस डचेस का कर्टन कोई नहीं हटा सकता, ओनली आई कैन रिमूव द कर्टन एंड इट इज़ अप टू मी टू हुम आई वॉन्ट टू शो द पोर्ट्रेट, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कर्टन किसको शो, कर्टन हटा के किसको पोर्ट्रेट पिक्चर शो करना चाहता हूँ। तो ये क्या शो कर रहा है? दैट ही हैड अ लविंग नेचर, ही वॉज क्योरिंग केयरिंग टू वर्ड्स हिज वाइफ, बस एक यही लाइन शो कर रही है। पर प्राइड क्या थी? प्राइड ज्यादा बड़ी थी, तो प्यार क्या हो गया? छोटा रह गया। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ड्यूक्स हेजिटेशन हियर, ड्यूक की हेजिटेशन किस बात को लेकर है? शी हैड अ हार्ट, उसके पास दिल था जो बहुत जल्दी खुश हो जाता था, तो यहाँ ड्यूक क्या कहना चाह रहा है और किस चीज़ को लेकर उसकी हेजिटेशन है? द ड्यूक इंप्लाइज दैट हिज इंटरप्रिटेशन इज मच काइंडर देन द रियलिटी, द पॉज गिव्स द इम्प्रेशन दैट द ड्यूक हेजिटेट्स टू वाइप अवे अ टीयर और टू, द ड्यूक इम्प्लाइज दैट हिज वाइफ वॉज मच जेंटलर सॉफ्ट हार्टेड वुमेन देन पीपल रियलाइज, द पॉज गिव्स द इम्प्रेशन दैट द ड्यूक इज नॉट वेरी आर्टिकुलेट। ओके, सो दिस वॉज द फिफ्थ एम सी यू दैट वी वर डूइंग, शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड, ये हेजिटेशन है ना, यहाँ पे ये गैप्स दे रखे हैं, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो हेजिटेशन है ड्यू की, ये किस वजह से आ रही है, क्यों है ये हेजिटेशन? जब वो बोल रहा है ना कि उसका दिल था थोड़ा मासूम था और हर चीज़ को देख के पिघल जाता था, हर चीज़ को खुश हो जाता था देख के, तो ये क्यों है? तो इसका रीज़न है, इसके ऑप्शन हैं, आपको आंसर बताना है। द ड्यूक इम्प्लाइज दैट हिज इंटरप्रिटेशन इज मच काइंडर देन द रियलिटी, ड्यूक का क्या मानना है कि जो वो इंटरप्रेट कर रहा है, जो रियलिटी है, असलियत है, वो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा क्या है, काइंड है, वो जो डचेस के बारे में बता रहा है ऐसा नहीं है, शी वॉज काइंड इन नेचर, इसीलिए उसको ये हेजिटेशन आ रही है, और यही इसका आंसर है, बाकी कोई इससे मैच नहीं कर रहा। उसकी हेजिटेशन क्यों है? क्योंकि वो डचेस के बारे में क्या कर रहा था, ही वॉज गिविंग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, डचेस ऐसी थी ही नहीं, शी वॉज मच काइंड हार्टेड, मेलो थी, प्योर सोल थी, पर वो क्या था, अपनी प्राइड के चलते क्या कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, गलत साबित करना चाह रहा था, तभी वो जब उसके बारे में कोई भी बात बोलता था, देयर वॉज दिस हेजिटेशन दैट ही हैड इन हिज वॉइस, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो क्या आंसर है इसका? ये आंसर हो गया। बाकी द पॉज गिव्स द इंप्रेशन दैट द ड्यूक हेजिटेट्स टू वाइप अवे अ टीयर और टू, अपने आंसू पोंछने के लिए उसे हेजिटेशन है, तो ऑब्वियसली रो तो वो रहा नहीं था,
The Duke implies that his wife was much gentler, soft-hearted woman than the people realized. The pause gives the impression that the Duke is not very articulate. अब अपने आप को articulate की correct नहीं बताएगा ये, तो ये सारे option गलत हैं, सिर्फ ये first option क्या है, सही है. So these were the few MCQs that we did, and the rest of the MCQs we would do later on in the other class. Thank you for today.